भारत में पूजा पाठ का अपना ही महत्व है। यहाँ देवी देवताओं की पूजा के लिए कई प्रकार की सामग्री चढ़ाई जाती है और तुलसी भी उनमें से एक है। तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना गया है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि एक भगवान ऐसे भी हैं जिनको तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते, और वो देवता हैं हमारे प्यारे गणेश जी। इसके पीछे की कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है, भगवान गणेश गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान देवी तुलसी अपनी शादी की इच्छा मन में लिए यात्रा पर निकली। यात्रा के दौरान उनकी नजर गंगा किनारे तपस्या करते हुए भगवान गणेश पर पड़ी। भगवान गणेश एक सिंहासन पर बैठे तपस्या कर रहे थे। उनके पूरे शरीर पर चंदन लगा हुआ था। उन्होंने गहने और जेवरात पहने हुए थे और फूलों की माला भी पहनी हुई थी। भगवान गणेश को देखकर देवी तुलसी उनकी ओर आकर्षित हो गईं और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। देवी तुलसी द्वारा तपस्या भंग होने से भगवान गणेश गुस्से में आ गए और शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से देवी तुलसी को भी बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दिया कि उनकी दो दो शादियां होंगी, वो भी उनकी इच्छा के बिना। इससे भगवान गणेश और भी अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने भी देवी तुलसी को श्राप दिया कि उनकी शादी किसी असुर से होगी। यह सुनकर देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान गणेश से माफी मांगी। भगवान गणेश ने माफी को स्वीकार किया और कहा कि श्राप तो वापिस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिय बनोगी। भविष्य में तुम्हें पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार गणेश भगवान की पूजा में हम तुलसी को शामिल नहीं करते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा अति प्रिय है, अतः उनकी पूजा में दूर्वा चढ़ाई जाती है। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।